हेलो गाइस, आप देख रहे हैं इसके लिए वन एक्सपर्ट का यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं जो आपको सेंट्रल स्पार्क्स वर्सेस वेस्टर्न स्टॉर्म के बीच में यहां पर इंग्लिश वुमेन्स वन डे ट्रॉफी से जो आपको मैच खेला था दिखने वाला है। इस मैच के बारे में हम आज के इस वीडियो में एकदम अच्छे से गाइस फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। इस मैच के रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैच की फाइनल टीम अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो वहाँ पर जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले गाइस। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाई चांस अगर डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम ना करे, फिर आप अपने टेलीग्राम में जाएँ, सिंपली सर्च करें @SK11Expert कैपिटल लेटर में, उसके बाद गाइस आपको हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। अब चलिए गाइस इस वीडियो को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सेंट्रल स्पार्क्स टीम के बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रल स्पार्क्स वुमेन की टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है, अभी तक 7 में से 5 मैचेस जीती है और मात्र 2 मैच हारी है, ठीक है। और इनका गाइस ये स्क्वाड है और यहाँ पर 13 मेंबर का ये अनाउंस हुआ इस मैच के लिए, जिसमें से मुझे ये प्लेइंग 11 खेलता दिख रहा है। इनके लिए इनकी कैप्टन एवलिन जोन्स ओपनिंग कर सकती है बेथन एलिस के साथ, 1 डाउन इनकी विकेट कीपर फ्री बॉन आ सकती है, 2 डाउन पर एरिन बंस, 3 डाउन पर एमी कैम्पेबल, 4 डाउन पर कैटी जॉर्ज, 5 डाउन पर कैरिस पैवलिक, 6 डाउन पर जॉर्जिया डेविस और फिर 3 बॉलर रिया फैक्रेल, ग्रेस फोर्ड्स और हन्ना देकर, ठीक है। बाकी इनके पास बेंच पर डेवीना पेरिन और क्लोए ब्रेवर मेरे हिसाब से आपको देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं गाइज़, यहाँ पर हम सेंट्रल स्पार्क्स के प्लेयर्स के करंट सीज़न के स्टैट्स पर आते हैं। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम प्लेयर के स्टैट्स लिखे हैं गाइज़, जिनका इस सीज़न परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। सबसे पहले रन्स में देखेंगे तो एवलिन जोन्स इनकी कैप्टन टॉप रन स्कोरर है, 7 मैचेस में 281 रन उन्होंने किए कमाल के 47 के एवरेज के साथ। बाकी विकेट कीपर बैटर फ्री बॉन ने 7 मैच में 214 रन किए 30 के एवरेज के साथ, कैम्पेबल ने 7 मैच में 184 किए 30 के एवरेज के साथ, कैटी जॉर्ज ने 7 मैच में 102 रन किए 20 के एवरेज के साथ, कैरिस पैबले ने 2 मैच में 90 किए 90 के एवरेज के साथ, एरिन बंस ने 4 मैच में 84 किए 28 के एवरेज के साथ, डेवीना पेरिन ने 6 मैच में 62 किए 15 के एवरेज के साथ और बेथन एलिस ने 2 मैच में 43 किए 21 के एवरेज के साथ। अब गाइज वहीं अगर आप बॉलिंग के स्टैट्स पर फोकस करेंगे तो इनके टॉप विकेट टेकर जॉर्जिया डेविस है, इनके पास 7 मैचेस में 17 विकेट है, तो बहुत कमाल की फॉर्म में है। बाकी एरिन बंस भी काफ़ी अच्छा करिए, 4 मैच में 12 विकेट इनके पास है, कैटी जॉर्ज के पास भी 7 मैच में 11 विकेट है, ग्रे स्पोर्ट्स के पास 7 मैच में 5 विकेट है, हन्ना बेकर के पास 3 मैच में 4 विकेट, बेथन एलिस के पास 2 मैच में 2 विकेट और रिया फैक्रेल के पास 2 मैच में 1 विकेट है। तो गाइस जितना भी हमें स्टैट्स देखना था यहाँ पर सेंट्रल स्पार्क्स के प्लेयर्स का इस सीज़न के, वो सब हमने देख लिया है। एक बार गाइस मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम से बता देता हूँ, इनके लिए एवलिन जोन्स इंपॉर्टेंट रहेगी, फ्री बॉन, एरिन बंस, ठीक है, उसके अलावा कैटी जॉर्ज, जॉर्जिया डेविस और गाइस यहाँ पर ग्रेस फोर्ड्स, ये कुछ इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो आप इन पर स्पेशल फोकस करिएगा। अब चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी टीम वेस्टर्न स्टॉर्म पर आते हैं। तो गाइस इनका स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, मैंने काफ़ी यहाँ पर रिसर्च की लेकिन मुझे इनके स्क्वाड के रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं मिला है, तो इनका मैं लास्ट मैच का ही प्लेइंग 11 यहाँ पर एज्यूम करके चल रहा हूँ, लेकिन मे बी इनके प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि इनका स्क्वाड नहीं आया, ठीक है। कुछ भी अपडेट मिलेगा मैं टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो अभी तक वेस्टर्न स्टॉर्म की टीम कुछ खास नहीं कर पाई है, 6 मैचेस में मात्र 1 मैच जीती है, 3 मैच हारी है और 2 मैच इनका नो रिजल्ट में गया है, ठीक है। और इनका मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 आपको खेलता दिखना चाहिए गाइस, जो लास्ट मैच में खेला था, इनके एलेक्स ग्रिफिथ के साथ इमा कॉन ने ओपनिंग करते दिखनी चाहिए, 1 डाउन पर इनकी कैप्टन सोफी लव आने चाहिए, 2 डाउन पर फ्रैन विल्सन, 3 डाउन पर नियाम हॉलैंड, 4 डाउन पर नताशा रेत इनकी विकेट कीपर, 5 डाउन पर सोफी स्मॉल, 6 डाउन पर पाइपा क्लेरी, फिर बॉलर इनकी 3 मॉली रॉबिन्स, निकोला हार्बन और स्केटन। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनके प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइज, यहाँ पर वेस्टर्न स्टॉर्म के प्लेयर्स के करेंट सीजन के स्टैट्स पर आते हैं, यानी कि इस सीजन का कैसा परफॉर्मेंस रहा प्लेयर्स का वो देखते हैं। रन्स में देखेंगे फ्रैन विल्सन टॉप रन स्कोरर है, 5 मैच में 160 रन इन्होंने किए 53 के कमाल के एवरेज के साथ, एलेक्स ग्रिफिथ ने 5 मैच में 103 रन किए 25 के एवरेज के साथ, नताशा रेट ने 5 मैच में 61 रन किए 20 के एवरेज के साथ, इमा कॉन्डे ने 4 मैच में 50 रन किए 12 के एवरेज के साथ, सोफी लव ने 2 मैच में 41 रन किए 20.5 के एवरेज के साथ। बाकी विकेट्स में देखेंगे स्लेटन के पास 5 मैच में 9 विकेट है, ये टॉप विकेट टेकर है, ग्रिफिथ के पास 5 मैच में 7 विकेट है, पाइपर क्लेरी के पास 1 मैच में 3 विकेट है, निकोला हार्बिन के पास 1 मैच में 3 विकेट है, सोफी स्मेल के पास 5 मैच में 3 विकेट है और मॉली रॉबिन्स के पास 2 मैच में 2 विकेट है। तो गाइज यहाँ पर वेस्टर्न स्टॉर्म टीम के भी जितना भी हमें स्टैट्स देखना था प्लेयर्स का वो भी हमने देख लिया। एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर भी बता देता हूँ, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी गाइज एलेक्स ग्रिफिथ, सोफी लव, फ्रैन विल्सन, ठीक है,
उसके अलावा नताशा रेथ, पाइपा क्लेरी और गाइस यहाँ पर क्लोए स्क्लेटन, ठीक है, ये इनकी कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकती है, तो आप उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। तो गाइज इस मैच के रिलेटेड जितना भी डेटा स्टैट्स और बेसिकली आपको जितना कुछ जानना था सब कुछ मैंने एकदम अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है, कमाल की इन्फॉर्मेशन भी दी है, दे दी है हर एक प्लेयर के बारे में। तो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे, एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ बनाने के लिए। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए गाइज यहाँ पर हम अपनी ड्रीम इलेवन की टीम डिस्कस कर लेते हैं। टीम डिस्कस करने से पहले गाइस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैं कभी भी आपको टीम कॉपी पेस्ट करना रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसलिए गाइस आप हमेशा एनालिसिस पर फोकस किया कीजिए और उसको यूज़ करके अपनी खुद की टीम बनाने की ट्राई किया कीजिए, ठीक है, वो मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन पर आते हैं जहाँ पर आपको मिलेगी नताशा रेथ जो कि यहाँ पर 4 डाउन पर आएंगी और फ्री बॉर्न आएगी गाइस यहाँ पर 1 डाउन पर, ठीक है। फ्री बॉर्न नताशा रेथ के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी प्लेयर है और वो ऊपर भी आ रही है, तो फ्री बॉर्न आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है स्मॉल लीग के लिए। नताशा रेथ भी खराब प्लेयर नहीं है गाइस, डिसेंट प्लेयर है, आप इनको ग्रैंड लीग टीम में ज़रूर ले सकते हैं। अगर डिफरेंशियल में भी लेना हो स्मॉल लीग में तो आप रिक्स लेकर ले सकते हैं। अब आते हैं गाइस बैटर सेक्शन पर जहाँ पर मुझे टीम में सोफी लुक 100% चाहिए, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है, अभी तक 2 ही मैच खेले इस सीज़न लेकिन ये हर सीज़न अपनी टीम के लिए यहाँ पर टॉप रन स्कोरर रहती है, टीम की कैप्टन भी है, ठीक है, तो मैं इनको ज़रूर लूँगा। बाकी गाइस यहाँ पर ब्रेयर पैरिन इन सब के खेलने के कम ही चांसेस हैं। फ्रैन विल्सन है वेस्टर्न स्टॉर्म की टॉप रन स्कोरर, इंग्लैंड के लिए भी खेल चुकी है, काफ़ी अच्छी प्लेयर है, सिलेक्शन पर मत जाइए गाइस, बहुत अच्छी फॉर्म में, तो ये कमाल की डिफरेंशियल है। एबलिन जोन्स को तो मैं लूँगा ही गाइस, सेंट्रल स्पार्क्स वुमेन की कैप्टन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कंसिस्टेंट रहती है नॉर्मली, ठीक है, और हर सीज़न अच्छा खेलती है, तो मैं इनको ज़रूर लूँगा। बाकी एलेक्स ग्रिफिथ भी मस्ट पिक है, ओपनिंग पर आ रही है, साथ में गाइस विकेट भी निकाल रही है, ठीक है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से इनका रोल है, गेम चेंजर मेरे हिसाब से है, सिलेक्शन पर मत जाइए, आप लेकर ही जाइए। बाकी नेक्स्ट एमी कैंपेबल, ये भी डिसेंट बैटर है, अच्छा खेली है इस सीज़न, ये भी डिफरेंशियल बन सकती है, ग्रैंड लीग टीम में ज़रूर ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में ज़्यादा रिस्क लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी बेथन एलिस है गाइस, ये भी खराब प्लेयर नहीं है, एज ए ओपनर खेल रही है, कुछ बॉलिंग भी कर सकती है, तो इनको भी कुछ ग्रैंड लीग टीम में आप ले सकते हैं, ठीक है, मैं अभी के लिए इन तीनों को ले रहा हूँ और साथ में अगर बाद में टीम में जगह बनेगी तो मैं फ्रैन विल्सन को भी जरूर लूँगा। अभी आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पर जहाँ पर हैदर नाइट तो अवेलेबल है नहीं, एरिन बंस अवेलेबल हैं जिनको हम टीम में ज़रूर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में उनकी ऑलराउंडर हैं गाइस, ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑलरेडी खेल चुकी है यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस, ठीक है, काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट्स दे सकती है, ठीक है। बाकी इजी वॉन्ग एमली आर्लेट दोनों स्क्वाड में नहीं है, दोनों नहीं खेलेगी। कैटी जॉर्ज डिसेंट ऑलराउंडर है, ज़्यादा रोल बॉलिंग से रहेगा लेकिन बैटिंग से भी रन्स कर सकती है। बाकी गाइस यहाँ पर डैनियली गिब्सन और ब्रेंडन गार्स ये दोनों लास्ट मैच नहीं खेली थी वेस्टर्न स्टॉर्म के लिए, तो अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ नहीं खेलेगी, लेकिन अगर खेलती है गाइस तो दोनों अच्छी प्लेयर है। गिब्सन तो पक्का नहीं खेलेगी गाइस, सॉरी, वो एसेज में खेल रही है इंग्लैंड वुमेन से। ब्रेंडन गार्स आयरलैंड वुमेन की प्लेयर है, अगर वो अवेलेबल रहती है इस मैच के लिए तो इनको आप जरूर टीम में ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कमाल की ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से बहुत अच्छा कर सकती है। बाकी नीचे से रिया फैकरेल है, फास्ट यहाँ पर स्पिनर, ठीक है, बॉलर ही है, बैटिंग से ज़्यादा मत उम्मीद रखिए, ठीक है, कुछ एक आध ग्रैंड लीग टीम में ले सकते हैं, स्मॉल लीग में रिकमेंड नहीं करूँगा। आते बॉलिंग सेक्शन पर गाइस, यहाँ पर गाइस सबसे पहले मैं लूँगा जॉर्जिया डेविस और साथ में स्क्लेटन को, ठीक है, क्यों गाइस दोनों अपनी अपनी टीम के टॉप विकेट टेकर्स हैं, ठीक है, दोनों काफ़ी अच्छी फॉर्म में है तो दोनों को लेना बनता है, तो मैं दोनों को सबसे पहले लूँगा। फिलर अभी नहीं खेल रही है तो हम ध्यान नहीं देंगे, वैसे डिसेंट फास्ट बॉलर है, ग्रेस पॉट्स डिसेंट फास्ट बॉलर, लास्ट सीजन की टॉप विकेट टेकर थी, ठीक है, अच्छी बॉलर है, ख़राब नहीं है, डेफिनेटली आपके लिए डिफरेंशियल बन सकती है स्मॉल लीग में भी अगर सेंट्रल स्पार्क्स की पहले बॉलिंग रहती है, ठीक है। बाकी सोफी स्मॉल ये ऑलराउंडर का रोल कर सकती है, 5 डाउन पर आकर कुछ रन्स भी कर सकती है और साथ में विकेटें भी ले सकती है, तो ये कमाल की डिफरेंशियल है गाइस, ध्यान रखिएगा इनका। बाकी नीचे से अगर यहाँ पर आएंगे गाइस तो हन्ना बेकर है डिसेंट यहाँ पर स्पिन बॉलर, ठीक है, आप ग्रैंड लीग की कुछ टीम में ले सकते हैं, और तो यहाँ पर एक निकोला हार्वी भी है जो कि एक मैच खेली है जिसमें इनको 3 विकेट मिला है, ठीक है, डिसेंट ही है, उतना भी मैं ध्यान देने को अभी नहीं कहूँगा क्योंकि और भी हमारे पास ऑप्शन है। बाकी मॉली रॉबिन्स है, इनको इन पर भी ज़्यादा ध्यान देने को मैं आपको नहीं कहूँगा, ठीक है। बस गाइस यहाँ पर दो जो प्लेयर हैं ग्रेस पॉट्स और स्मिथ, ये दोनों अच्छी डिफरेंशियल बन सकती है। अभी के लिए गाइस हमें टीम में 3 प्लेयर्स लेना है, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो विकेट कीपर से नताशा रेथ है, ठीक है, उसके अलावा बैटर सेक्शन से यहाँ पर फ्रैन विल्सन है, तो एमी कैंपेबल हो गई 3, ठीक है, ये 3 ऑप्शन हो गई,
उसके अलावा गाइस बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर होगी ग्रेस पॉट्स और सोफी स्मॉल। तो टोटल पांच ऑप्शन है, इन पांच में से हमें यहाँ पर गाइस तीन प्लेयर लेना है। मैं अभी के लिए यहाँ पर लूँगा फ्रैन विल्सन को, ठीक है, और साथ में गाइस नताशा रैथ को, ठीक है। अभी एक और प्लेयर मुझे लेना है, ऑप्शन मेरे पास एक कैंपेबल है, अगर आपको एक एक्स्ट्रा बैटर लेना हो तो उनको ले सकते हैं, बाकी अगर बॉलर लेना हो तो ग्रेस पॉट्स और सोफी स्मॉल, ठीक है। मैं अभी के लिए गाइस यहाँ पर ग्रेस पॉट्स के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, और ये बन जाता है गाइस मेरा अभी के लिए टीम का प्रीव्यू। सीवीसी की बेस्ट ऑप्शन की बात करूँ तो सीवीसी के लिए आपके पास यहाँ पर एरिन बर्न्स, एलेक्स ग्रिफिथ, ये दोनों ऑलराउंडर अच्छी सीवीसी का ऑप्शन है। बाकी गाइस यहाँ पर एक अगर डिफरेंशियल में जाना हो तो कैटी जॉर्ज भी ठीक है, ठीक है, इवन एवलिन जोन्स भी एज अ बैटर खराब नहीं रही। तो ये कुछ गाइस बेस्ट सीवीसी के ऑप्शन है जो कि मेरे हिसाब से निकल कर आती है, आप इनमें से सीवीसी करिएगा तो बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अभी के लिए अपनी कैप्टनसी एरिन बर्न्स को दूंगा और वाइस कैप्टनसी एलेक्स ग्रिफिथ को। आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं, आपको मैंने ऑप्शन दे दी है, ठीक है। यहाँ पर गाइस कैटी जॉर्ज एंड एवलिन जोन्स को, जोन्स की, तो आप इन दोनों में से भी किसी को सीवीसी ट्राई कर सकते हैं। तो ये बन जाता है गाइज अभी के लिए हमारा टीम का प्रीव्यू। इसमें डेफिनेटली 100% टीम में चेंजेस होने वाली है, फाइनल टीम अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको इस मैच की फाइनल टीम अपडेट मिल जाएगी। साथ में गाइज एक और मैच है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर ट्राई करूँगा आपके लिए कवर करने की, ठीक है, तो आप जरूर से ज़रूर ज्वाइन करें गाइज, आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने का। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।